जय हिंद दोस्तों नमस्कार मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डिफेंस वेरियर पे स्वागत करता हूं आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान सा टॉपिक आप सभी लोगों ने पहले ज्यादातर लोगों ने तो पढ़ ही रखा होगा कोडिंग डी कोडिंग कोडिंग डी कोडिंग में अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपके दो से तीन क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में चाहे मैं आप नवोदय सैनिक मिलिट्री किसी की भी बात करूं आपने को देखने को मिल जाते हैं और ये जो अगर मैं बात करूं दो से तीन नंबर हमारे पक्के होते हैं मतलब बहुत ही आसानी से ये दो नंबर हमारे इज्जत बचा ले जाते हैं इज्जत का मतलब होता है कि हम बहुत अच्छे से इसको गेन कर सकते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से एक एक बेसिक से लेके बिल्कुल मैंने हाई लेवल तक रखा है तो देखेंगे सबसे पहले तो कोडिंग डी के लिए हमें ये पता होना चाहिए किस अल्फाबेट का कौन सा नंबर है अगर आपको यह पता है किस अल्फाबेट का कौन सा नंबर है तो आप बहुत ही आसानी से कोडिंग डिकोडिंग कर लोगे इसमें कोई परेशानी नहीं होती और यह चीज मैं आपको पहले ही पता चुका हूं कि ए से लेके जेड अल्फाबेट जो होते हैं किस अल्फाबेट का कौन सा नंबर होता है ये तो बहुत आप अच्छे से जानते ही हो चलो फटाफट सारे लोग आ जाओ फिर क्लास को स्टार्ट कर दें एकदम जबरदस्त तरीके से जय हिंद भाई जय हिंद सभी बच्चों को जय हिंद चलो अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग तो ए का हमारा होता है वन नंबर पे आता है बी टू पे आता है सी थ्री पे आता है डी फोर पे आता है ई e का मैंने बताया था एक क्विक करा रहा हूं आपको एक से जेड तक ई जो होता है ई e पे हमेशा इवनिंग मतलब पांच एफ का मतलब फिक्स सिक्स ऐसे ही जी का मतलब जी में सात बना हुआ आता है एच में आठ होता है ये सारी चीजें आप पुराने लेक्चर में जाके देख लेना मैंने आपको कराई हुई है ठीक है चलो ज्यादा समय ना गवाते हुए अब मैं आता हूं अपने क्लास पे और क्वेश्चन नंबर वन पे सीधा क्वेश्चन से ही समझेंगे चलो आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर वन और मुझे फटाफट सारे लोग अब का, का, काफी बच्चों को लग रहा होगा सर बेसिक नहीं बताया बेटा बेसिक की जरूरत ही नहीं है अगर बेसिक की जरूरत होती तो फिर विजय सर किस काम आते है ठीक है चलो अगर मैं बात करूं नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा आप टेंशन मत लेना एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा बात करें इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और ये कह रहा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज ट्रैक इज कोडेड एज बी ए टी एम पी के सी आर टी कार्ड को क्या मतलब ये बोल रहा है कि ये एक कोडिंग टाइप की है अगर मैं ट्रैक को ये चीज लिखता हूं बी ए टी एम पी तो उसको मैं क्या लिखूंगा काफी बच्चों का तो इतनी देर में आंसर आ भी चुका होगा कि क्या लिखा जाएगा फिर भी मैं एक बार को बता देता हूं कोई बड़ी बात नहीं है देखो अगर मैं बात करूं ट्रैक टी आर ए सी के ये क्या लिखा हुआ है मेरा ट्रैक और ट्रैक को मैं क्या कोड करता हूं बी ए टी एम पी बी ए टी एम पी आगे पूछ क्या रहा है वो भी लिख लेते हैं के ए सी आर टी के ए सी आर टी बोलो कोई दिक्कत नहीं अब मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है क्या समझ में आ रही है देखो टी को मैं क्या लिख सकता हूँ सर बी लिख सकता हूँ अच्छी बात है आर को क्या लिख सकता हूँ ए लिख सकता हूँ ए को क्या लिख सकता हूं मैं टी लिख सकता हूँ सी को क्या लिख सकता हूँ एम लिख सकता हूँ के को क्या लिख सकता हूँ पी लिख सकता हूं क्या के की जगह मैं क्या लिखूंगा के की जगह अगर आप गौर दोगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही होगी क्या के के प्लेस किससे रिप्लेस हो रहा है के की जगह कौन सी चीज है तो आप बोल दोगे सर के की जगह तो मेरा पी दे रखा है क्या दे रखा है पी अच्छी बात है अगर मैं आगे ए की बात बोलूं तो ए की जगह क्या दे रखा है मेरा सर ए की जगह दे रखा है आपका टी मैं बोल दूंगा बिल्कुल सही बात है अगर मैं आगे बात करूं सी सी की जगह मेरा क्या जाएगा तो सी की जगह आप बोल दोगे सर सी की जगह मेरा एम आ जाएगा एम बिल्कुल जबरदस्त बात है अगर मैं आगे बात करूं तो ये मेरा आर की जगह क्या आ जाएगा आर की जगह आ जाएगा मेरा ए कुछ नहीं करना सीधा सा यहां से उठाना है और यहाँ पटक देना है टी की बात करूं तो मैं टी की जगह मेरा आप क्या आ रहा है अगर गौर से देखोगे तो टी की जगह आ रहा है मेरा T की जगह मेरा क्या आ रहा है बे अगर आप लोग इसको गौर से देखो तो पी टी एम ए बी पी टी एम ए बी पी टी एम ए बी ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर जिस जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर वन आ रहा है उसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर आ रहा है उसका बिल्कुल सही जवाब है अगर मैं आगे बात करूं ये सबको समझ में आ गया होगा कुछ नहीं करना सिर्फ कोडिंग लिख देना है और उसी कोडिंग को क्या करना है यहाँ पे सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे बाकी का कुछ इसमें नया खास है नहीं चलो भाई अगर मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर टू की बहुत आसानी से बताऊंगा ऐसे मैंने चार पांच क्वेश्चन रखे हैं घबराना मत अगर नहीं समझ में आया ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा चलो चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है और आप लोग ही इसको बताओगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड फटाफट आंसर दे दो सारे के सारे लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या आएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैं इसको पढ़ देता हूं इन ए सर्टिन लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज में टाइम को क्या लिखते हैं को को लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूं। अब ठीक है। को क्या लिखेंगे? आ, a, C, M, o, G. आगे क्या बोल रहा है कि इसको बता दो ई एम टी आई एन को क्या लिखेंगे कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं है भाई जैसा जैसा कोडिंग डी कोडिंग में बोला है वैसा वैसा कर दो दिक्कत ही नहीं है कैसे अगर मैं आपको बोलू टी आई एम ई -E एन टाइम एन बिल्कुल सही बात है इसको क्या बोल दोगे ए सी एम ओ जी ए सी एम ओ जी दूसरी अगर बात करूं तो इधर मेरा पूछा क्या है ई एम टी आई एन ये बता दो ई एम टी आई एन बता दो अच्छी बात है अब आप मुझे एक चीज बताओ टी को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए से आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सी लिख सकता हूं सर और क्या लिख सकता हूं एम को एम ही रहने देंगे A की जगह क्या आ जाएगा मेरा ओ आ जाएगा और एन की जगह क्या आ जाएगा मेरा जी आ जाएगा बोलो कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पे क्या दे रखा है मेरा ई e. E की जगह मेरा क्या आ रहा है ओ सबसे पहले आप लो और यहां पे ओ रख दो इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं आगे मैं बात करूं एम एम को तो एज इट इज रहने दो एम चेंज नहीं है क्योंकि इसमें भी चेंज नहीं है एम यहां भी नहीं बदला है तो वहां भी नहीं बदलेंगे इसको आगे मैं बात करूं टी टी की ये क्या T की आ जाएगा मेरा टी की जगह आ जाएगा मेरा ए टी की जगह मेरा क्या A. I, I आ जाएगा ए आई आई की जगह आ जाएगा मेरा क्या C आ जाएगा सी आ जाएगा और एन की जगह मेरा दे रखा है जी जो जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी वही वैल्यू मैंने उस साइड उतार दी अगर मैं बात करूं तो ये बन गया मेरा ओ एम ए सी जी ओ एम ए सी जी अगर मैं बात करूं इसकी ओ एम ए सी जी ऑप्शन नंबर क्या है मेरा बी ओ एम ए सी जी जिस जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका एकदम सही जवाब है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आज बच्चों के मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा अब पूछो क्यों नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बेचारा कमेंट आज मैं पढ़ नहीं सकता ये क्लास आपकी ना रिकॉर्डिंग में चल रही है अब परेशान होने की जरूरत नहीं है चलो ठीक है दिवाली की छुट्टियां होती हैं तो उसकी वजह से चलो आगे मैं बात करूं आपकी क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसका फटाफट आंसर बताएंगे चलो चलो मुझे ही, लेकिन मैं आपके बैकग्राउंड में रहूंगा एक एक बच्चे को मैं वहां से देखता रहूंगा कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा चलो आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पे आ चुका है इन ए सर्टेन लैंग्वेज लॉन्ज इज कोडेड एच एल ओ एन जी ई लॉन्ज लॉन्च को हम क्या लिख सकते हैं एम एन पी क्यू टी बहुत अच्छी बात है भाई बिल्कुल लिख सकते हो आपके हाथ में पेन है सर आप कुछ भी लिख सकते हो टेंशन मत लो वही लिखूंगा जो बेटा बोर्ड पे लिखा है आप टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है अगर मैं बात करूं पूछ क्या रहा है सर आप ये बता दो ई जी एन ओ एल को हम क्या लिखेंगे ई जी एन ओ एल को क्या लिखेंगे तो क्यों परेशान हो रहे हो इतना सा तो कर ही सकते हैं हम लोग मिलके भाई मिलके महफिल तो जमा ही सकते हैं महफिल कौन सी वाली पढ़ने वाली चलो अगर मैं बात करूं तो सर आपको एक चीज आप कर सकते हो हाँ जी एल की जगह क्या लिख सकते हो एम ओ की जगह क्या लिख सकते हो एन और क्या एन की जगह पी जी की जगह क्यू ई की जगह क्या लिख सकते हो आप टी कुछ ऐसे कोडिंग आप दे सकते हो कोई बड़ी बात नहीं थी अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या दे रखा ई जी एन ओ एल ई की जगह मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे टी आ जाएगा जी की जगह मेरा क्या आ जाएगा सर क्यू आ जाएगा एन की जगह मेरा क्या आ जाएगा सर पी आ जाएगा और o की जगह एम आ, आ, आ जाएगा जहां भी ये कोडिंग दे रखी है जिस भी ऑप्शन में वही मेरा क्या होगा आंसर अगर आप गौर से दोगे टी क्यू पी एन एम टी क्यू पी एन एम ये शायद ऑप्शन नंबर टी ओ एम एन ये या तो ये यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया है चलो कोई बात नहीं इसको क्यू कर लो लॉन्च को या तो मुझे लगता है ये गलत लिख दिया है या तो ये ओ होगा या ये ऑप्शन में क्यू होगा कोई भी एक चीज कर लेना कुछ करना ही नहीं था जैसे हमने ए और बी करे थे ना ये टाइपिंग एरर आ गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ठीक है चलो अच्छी बात है इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं वैसे ये मैं क्यू है इसको क्यों कर लेना और यही मेरा फिर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है मुझे वैसे वैसे ही पुट कर देनी है इसमें कुछ नया था ही नहीं चलो ऐसा एक और कर लेते हैं अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर फोर आपके जो स्क्रीन पे रहेगा वो भी सेम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और मुझे इसका फटाफट आंसर बता दो आप लोगों से ये आंसर चाहिए इसको मैं एक मिनट एक मिनट का तो टाइम आपको नहीं दे सकता लेकिन फिर भी तीस सेकेंड का मैं आपको टाइम देता हूं इसका फटाफट मुझे करके बता दो सर इसका आंसर क्या होगा चलो इसका आंसर क्या होगा फटाफट सारे लोग मुझे ये बता दो अगर मैं बात करूं इन ए सर्टेन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम मत करना क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या लिखा हुआ इन ए सर्टेन लैंग्वेज एम एन ओ पी ओ इसको क्या लिख सकते हैं ए बी सी डी ई लिख सकते हैं तो हाउ इज दिस कोडेड इन द लैंग्वेज इन दैट लैंग्वेज बोल रहा है कि कोई एक चीज है एम एन ओ पी क्यू एम एन ओ पी ओ और उसको लिख सकते हैं ए बी सी डी ई तो इसको क्या लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं जैसी ये चीज है वैसे यहां कर लेंगे क्या बोल रहा है एम एन ओ पी ओ और इसको हम कोड क्या करेंगे ए बी सी डी ई कोड कर देंगे अच्छी बात है ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं ना ही कोई दिक्कत थी आगे क्या पूछ रहा है सर इसको क्या लिखेंगे इसको बता दो चलो फिर बता देते हैं परेशानी कहाँ आ रही है अगर मैं इसकी बात करूं तो आप सबसे पहले ना जैसे जैसे मेरी कोडिंग दी हुई है वैसे वैसे कर लो परेशानी वाली इसमें कोई बात ही नहीं थी अगर मैं बात करूं सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे काफी बच्चों के आंसर तो अब तक आ चुके हैं अच्छी बात है जबरदस्त जस... चलो अगर मैं बात करूं क्यू पी ओ एन एम क्यू पी ओ एन एम तो Q की वैल्यू दे रखा है क्यू पी ओ एन एम यहां भी गलती कर दी कि हाउ इज क्वेश्चन नंबर फोर क्यू पी ओ एन एम क्यू पी ओ एन एम इसकी एक की वैल्यू मेरी क्यू रही होगी कोई कोई सी? चलो कोई बात नहीं फिर भी हम इसको देख सकते हैं इसमें कोई बात नहीं थी ये था क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फोर का था क्यू पी ओ एन एम ई डी सी बी ए डी सी बी ए चलो अब मैं इसको कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है क्यू की जगह आ जाए ये मेरा क्यू दे रखा है एम एन ओ पी क्यू इसको क्यू कर लो अब सही है अब परफेक्ट है आपका अब समझ में आ गया क्योंकि ये o -O दो बार नहीं हो सकता ना ओ की कोडिंग सी होती या o की कोडिंग e होती कोई A की होती तो इसका मतलब आज हमारे जो टाइपिंग वाली मैडम में, है उन्होंने काफी गलतियां कर दी हैं पर कोई बात नहीं हो जाता है होता है होता है हो जाता है अच्छी बात है एम एन ओ पी क्यू दे रखा था डी अब परफेक्ट है क्या क्यूँ की जगह आप कुछ लिख नहीं सकते क्यू की जगह मेरा क्या दे रखा है सर ई e दे रखा है तो की जगह आप क्या लगा दोगे ई e लगा दोगे अगर मैं आपसे पूछूं सर पी की जगह क्या आएगा तो आप लिख दोगे सर पी की जगह क्या आ रहा है मेरा डी आ रहा है अगर मैं आपसे बोलूं ओ की जगह क्या रहा आ रहा है सी रहा है एन की जगह क्या आ रहा है बी रहा है और इसकी जगह क्या जाएगा ए डी बी सी ई डी सी बी ए ऑप्शन नंबर नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर ये क्यों दिए जाते हैं अब मैं आपको बता देता हूं ये क्यों दिए जाते हैं देखो सिर्फ नजरों का खेल है बहुत से लोगों ने ना ये भी सही निकाला होगा लेकिन फिर भी ऑप्शन को गलत करके चले आएंगे क्यों गलत कर देंगे क्योंकि ये ऑप्शन ना लगभग मिलते जुलते से है सेम से ही है तो हमें क्या करना है इस चीज का ख्याल रखना है कि ऑप्शन मिलते झुलते हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को यह चीज गलत नहीं करनी है अगर गलती करोगे तो फिर इसमें दिक्कत है प्रॉब्लम है बात समझ में आई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपकी स्क्रीन पे मैं बुला देता हूं थोड़ा सा आज स्पीड से करेंगे कोई बात नहीं है स्पीड से क्यों करेंगे भाई आराम से करेंगे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर फाइव चलो फटाफट इसको करके दिखा दो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फाइव की लैंग्वेज किसी एक भाषा में टारगेट इज पी जी टी जी टी को हम क्या लिखेंगे फटाफट इसका आंसर दे दो आर ए टी जी टी को हम क्या लिख सकते हैं कोडिंग है कोई बड़ी बात नहीं है भाई इतना तो बहुत आसानी से आप कर ही सकते हो बोलो इसमें कौन सी बड़ी बात थी नहीं चलो देख लेते हैं सर इसको भी बता दो कोई दिक्कत नहीं है इधर देखो आप बोर्ड की तरफ टी ए आर जी टी मैंने लिख लिया इसको क्या बोलेंगे एम ओ पी जी एम अच्छी बात है आगे मैं क्या बोलता हूं आर ए जी टी मैंने लिख दिया इसको हम क्या लिखेंगे आर ए टी जी टी को हम क्या लिखेंगे कुछ था ही नहीं जैसे है अब आपको लग रहा होगा सर बहुत सारे करा दिए आपने ऐसा बिल्कुल करा दिए टाइप चेंज कर देते हैं मत परेशान मत होना आर की जगह मेरा क्या आ रहा है सर आर की जगह आ रहा है मेरा पी आर की जगह पी मैंने क्या लिख दिया पी क्या पी कभी ऑप्शन में है आ, एक ऑप्शन तो मेरा यहाँ से कट गया क्योंकि इसकी स्टार्टिंग क्यू से हो रही है अगर मैं बात करूं ए ए की जगह मेरा क्या आ रहा है ओ लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ भी ओ है यहाँ भी ओ है यहाँ भी ओ बात नहीं बनी तीसरे को देखो टी की जगह मेरा क्या आ रहा है एम टी की जगह एम तो पी ओ एम जिसमें भी ऑप्शन में देखो यहाँ क्या दे रखा है पीओ ये नहीं हो सकता यहाँ क्या दे रखा है यू ये नहीं हो सकता मैं आंख बंद करके टिक मार सकता था ये हालांकि आप चाहे तो पूरा भी कर सकते थे इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी जी की जगह तो मेरा जी रहेगा और टी की जगह मेरा क्या जाएगा? आ जाएगा एम आ जाएगा फटा फटाफट उतार भी सकते थे बाकी का मुझे सारे देखने की जरूरत नहीं थी मैं सिर्फ इतने से ही अपना काम चला लेता काम चलाने का मतलब उतने से ही मेरा पता चल जाता की सही वैल्यू मेरी क्या आएगी या सही करेक्ट आंसर मेरा क्या आएगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट इसका आंसर मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या रहेगा चलो भाई चलो अच्छी बात है ये भी लगभग ऐसा ही है ऐसे ही आते हैं कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते आप लोग ये मत सोचना कि सर बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हैं अरे भाई जब आते ही ऐसे हैं तो मैं क्या करूं और ये सारे के सारे ना प्रीवियस ईयर पुराने पेपर में आए हुए सवाल उठाए अब सोचो ऐसे सवाल आते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं है? आसान से चलो आपकी स्क्रीन पे है आर ई एस ओ आर ई एस ओ इसको मैं क्या कोड कर दूंगा जी पी टी एम बी अच्छी बात है अगर मैं बात करूं ई ए आर ओ एस एरोस को हम क्या लिखेंगे कर दो भाई ए की जगह में क्या लिख सकता हूं सर ए की जगह टी लिख सकता हूं लेकिन मैं बात करूं तो एक ऑप्शन तो मेरा कट गया ऑप्शन नंबर बी किस से स्टार्ट था जी से स्टार्ट था इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू मेरी क्या आ रही है टी आ रही है जी सर टी आ रही है लेकिन ये जी से स्टार्ट था इसको तो मैं हटा दूंगा आगे मैं बात करूं किसकी ई e की तो ई e की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी ई e की वैल्यू आ जाएगी मेरी पी ए की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी पी अगर मैं आगे बात करूं आर आर को अगर आप गौर से देखोगे तो आर क्या आ जाएगा मेरा जी आ जाएगा सर क्या आ जाएगा आर जी बोलो कोई दिक्कत नहीं ओ की जगह मेरा क्या आ जाएगा सर आप देखोगे तो ओ की जगह आपका आएगा बी अच्छी बात है एस की जगह मेरा क्या आ जाएगा सर एस की जगह क्या आ जाएगा मेरा एम आ जाएगा मतलब टी पी जी बी एम टी पी जी बी एम टी पी जी बी एम ऑप्शन नंबर बी अगर आप गौर दोगे हालांकि सारे ऑप्शन दिखने में तो सेम ही हैं पर फिर भी आप थोड़ा सा गौर दे के देखोगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है और वही मेरा क्या है आंसर है टी पी जी बी एम चलो बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत ही क्लियर तरीके से आसान से क्वेश्चन है क्वेश्चन टफ नहीं है देखो एक बात याद रखना क्वेश्चन सारे करने हमें चाहे आसान हो या कठिन हो कभी कभी क्या होता है हम कठिन क्वेश्चन तो कर ले जाते हैं लेकिन जहाँ बारी आती है ना आसान क्वेश्चन की वहां अटक जाते हैं मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि कठिन कठिन क्वेश्चन तो कर जाते हैं लेकिन बारी आसान की आती है तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा चाहे कठिन हो या आसान हो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और हम लोग तैयार हो जाएंगे भाई बहुत लंबा टाइम है क्यों टेंशन ले रहे हो चलो अगर मैं आगे बात करूं तो स्क्रीन पे आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पे फटाफटन है।, है और इसका आंसर मुझे आप लोग बता दो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है टारगेट को हम बोल सकते हैं टीई जी आर ए टी तो हम मनोज को क्या बोलेंगे मनोज को क्या बोलेंगे इसको मैं देखते ही आंसर बता सकता था मनोज को हम क्या बोलेंगे चलो अगर मैं गौर दूं तो आप लोगों को एक चीज तो बहुत अच्छे से दिख रही होगी क्या यहां पे क्या लिखा हुआ है टारगेट टी ए आर जी ई टी टारगेट लिखा हुआ है अच्छी बात है और टारगेट को मैं क्या लिख सकता हूं सर टारगेट को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे टी ई जी आर ए टी टेगरेट टे अच्छी बात है तो सर आपको पूछना है कि मैं मनोज को क्या लिख सकता हूँ एम ए एन ओ जे मनोज को मैं क्या लिख दूंगा बोलो इतना सा क्वेश्चन था क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं इतना सा क्वेश्चन था कि सर मनोज को मैं क्या लिख सकता हूँ ये चीज तो आप बहुत अच्छे से जानते हो और सभी बच्चों का आंसर अब तक आ भी क्या होगा कि मनोज को हम क्या लिख सकते हैं गौर देना जरा प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं टारगेट कुछ ऐसे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से राइट right साइड का जो भी है वो क्या लिखा हुआ है मेरा टारगेट टी ए आर जी ई टी टारगेट लेफ्ट से कहा की तरफ है राइट right की तरफ अगर मैं अब इसको बात करूं तो यहां से देखना पीछे से यहाँ शुरू में टी था एक नंबर पे पीछे मेरा टी था दूसरे नंबर पे ए था तो यहाँ पे मेरा दूसरे नंबर पे भी ए ही दे रखा था तीसरे पे मेरा आर था तो तीसरे नंबर पे भी मेरा आर ही था चौथे पे मेरा जी है तो चौथे पे भी मेरा जी है पांचवे पे ई है पांचवे पे ई है छठे पे टी है छठे पे भी यहाँ पे टी है मतलब एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि टी ई जी आर ए टी जैसा कि ये लेफ्ट से राइट चल रहा है वही सेम कंडीशन लेफ्ट से राइट को हो जाएगी मतलब क्या किया उल्टा कर दिया अभी इसी चीज को अगर आप पीछे से पढ़ोगे तो टी ए आर जी ई टी, टी टारगेट ही बन रहा है ऐसे ही मनोज को मैं पीछे से लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा एम ए एन ओ जे मनोज ऑप्शन में जो जे ओ एन एम जोनम जो लिखा होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अगर आप गौर देखोगे तो जोनम जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है तो डी इज द करेक्ट आंसर बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर समझ में आया होगा सभी को बहुत आसान सा था इसमें कोई टफ वाली सीन था ही नहीं चलो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है नंबर एट आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर एट की क्या वैल्यू है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है चलो भाई क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट की मैं बात करूं आपकी स्क्रीन पे आ चुका है इन ए सर्टेन लैंग्वेज नंबर इज कोडेड एज ये हाउ इज घोष्टोडेड इन दैट लैंग्वेज नंबर को मैं इस लैंग्वेज में बोल सकता हूं तो घोष्ट को मैं किस लैंग्वेज में बोलूंगा बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं बहुत ही आसान सा था एक मिनट में सभी पहले मैं आप लोगों को टाइम देता हूं। फटाफट मुझे करके दिखाओ कितने बच्चे इसको कर सकते हैं बहुत ही आसान सा है टफ नहीं है बस थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना उलट पुलट सा कर देना मतलब नंबर लिख देना आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज मेरी कहाँ दे रखी है ठीक है चलो भाई चलिए अगर मैं बात कर अगर मैं बात करूं तो आपको दिख भी रहा होगा ये चलो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है और क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है नंबर एन यू एम बी आर नंबर नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं यू एन बी एम आर ई नंबर लिख सकता हूं मैं अच्छी बात है आगे क्या बोल रहा है घोष्ट को क्या लिखूंगा जी एच ओ एस टी एस घोष्ट को मैं क्या लिखूंगा बोलो इतना आसान था इस बात में तो सबको समझ में आ रहा होगा सर मैं घोष्ट को क्या लिखूंगा आप ही लोग बताओगे घोष्ट को हम क्या लिख सकते हैं फटाफट बताओ देखो एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ऊपर भी वही लोग हैं और नीचे भी वही लोग हैं लोग का मतलब वही अल्फाबेट मेरे ऊपर भी है और वही अल्फाबेट मेरे नीचे भी है और मैं अल्फाबेट में तो कोई चेंज नहीं है मतलब जगह बदली गई होगी इन दोनों की आपस में दोनों की मतलब इन लोगों की आपस में सिर्फ जगह बदली गई है और जगह बदली गई है तो ये काम तो बहुत आप आसानी से कर ही सकते हो कैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे U आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा N आ जाएगा अच्छी बात है यहाँ पे बी आ जाएगा यहाँ पे भी एम आ जाएगा यहाँ आ रहा है यहाँ पे मतलब आप गौर से देखोगे तो ये चीज ना इंटरचेंज हो रही है क्रॉस में चेंज हो रही है क्रॉस में मतलब दो जो अल्फाबेट रहे हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं बदल बदले जा रहे हैं चेंज हो रहे हैं इंटरचेंज हो रहे हैं ठीक है चलो क्या मैं ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ सर हाँ अच्छी बहुत तरीके अच्छी तरीके से कर सकता हूँ कैसे यहाँ मेरा एच आ जाएगा यहाँ मेरा क्या आ जाएगा जी आ जाएगा यहां अगर बात करूं तो यहां सर एस आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा मेरा ओ आ जाएगा अगर मैं यहां बात करूं तो यहां एस आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा मेरा टी आ जाएगा मतलब जिसमें एच जी एस ओ एस टी एच जी एस ओ एस टी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जो भी आ रहा है मेरा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है बोलो किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत थी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जिस इस बच्चे का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका एकदम जबरदस्त आंसर है काफी बच्चों का सही आ भी चुका है इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कुछ नहीं करना सिर्फ इंटरचेंज कर लेना आपका आंसर आ जाएगा अगर मैं बात करूं आगे तो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन फटाफट आप मुझे ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या रहेगा आपकी स्क्रीन पे आप थोड़ा सा टाइप चेंज होगा हल्का फुल्का सा बताओ क्या रहा कह रहा है मेरा क्वेश्चन कह रहा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज फायर इज कोडेड डी जी पी सी फायर को हम क्या लिख सकते हैं डी जी पी सी तो शूट को, को हम क्या लिखेंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दिक्कत वाली बात नहीं है कह क्या रहा है फायर को हम ये लिख सकते हैं तो हम शूट को क्या लिखेंगे एस एच ओ टी शूट को क्या लिखेंगे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फटाफट मुझे ये इसका आंसर बता दो बहुत ही आसान सा है कुछ था ही नहीं अगर आपको एक चीज दिख रही होगी चलो पहले मैं इसको ना उतार देता हूँ आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि एफ आई आर ई फायर है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी जी पी सी लिख सकता हूँ सर क्या लिख सकता हूँ डी जी पी सी लिख सकता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं अगर मैं आगे बात करूं तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है बहुत अच्छे से अगर आप गौर देखोगे तो इसमें बीच में एक अल्फाबेट आ रहा है हर किसी में कैसे अगर मैं बात करूं नीचे से ऊपर की तो डी के बाद क्या आ जाएगा मेरा ई और ई के बाद क्या आ जाएगा मेरा एफ जी के बाद क्या आ जाएगा मेरा एच और एच के बाद आ जाएगा मेरा आई पी के बाद आ जाएगा मेरा क्या क्यू और क्यू के बाद आ जाएगा आर सी के बाद क्या आ जाएगा डी और डी के बाद क्या आ जाएगा मेरा ए मतलब सारे के सारे जितने भी हैं उससे एक छोड़ के एक कम है मतलब एफ से एक छोड़ के एक कम है चाहे तो आप नंबरिंग भी कर सकते थे नंबरिंग कैसे करते का 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 मतलब 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 क्या आ जाता मेरा अठारह और ई का मतलब आ जाता पांच डी का मतलब आ जाता चार जी का मतलब सात पी का मतलब सोलह और छ का मतलब क्या आ जाता मेरा e तीन मतलब 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 अगर आप गौर दोगे तो हर एक नंबर में मेरा दो दो ऐड हो रहा है ऊपर वाले में छे में दो जोड़ चार में दो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा छत में दो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा नौ सोलह में दो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा तीन में दो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा पांच क्या ये चीज मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ हाँ सर कर सकता हूँ ये मेरा क्या दे रखा है शूट इसको भी चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हो ऑप्शन से भी कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो देखो पी क्यू आर एस जो भी रहा होगा यहाँ पे क्यू तो मेरा रही होगा क्योंकि क्यू के बाद एक बीच में आर होगा और एस तो ये ऑप्शन तो मेरा पहले वाला ऑप्शन तो मैं देखते ही काट सकता था इसमें मैडम ने सिर्फ तीन ही ऑप्शन डाले हैं हमारी टाइपिंग वाली मैडम बड़ी गड़बड़ करने लग गई है पर कोई बात नहीं उनपे भी बहुत वर्कलोड होता है ए, तीन तीन चार चार टीचरों के काम करते हैं मतलब नॉर्मल टीचर की अगर चार से पांच क्लास होती है हम लोगों की एक दिन में तीन से चार चार भी हो जाती है पांच भी हो जाती है तीन भी रह जाती है तो अब सोचो तीन चार लोगों का काम तो कितना सारा काम हो जाता है उनके पास तो वो लोग भी काफ़ी बिजी रहते हैं पर कोई बात नहीं हम बगैर ऑप्शन के भी काम चला सकते हैं हम इतने समझदार हैं चलो सबसे पहले ना एक काम करते हैं इसको सर नंबर कर लो नंबर से हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैसे एस का मतलब होता है स्पीड 19 एच का मतलब कितना होता है सर मेरा आठ होता है ओ का मतलब क्या आ जाएगा सर ओ का मतलब आ जाएगा पंद्रह टी का मतलब क्या है टी का मतलब आ जाएगा ट्वेंटी अगर किसी को इन चीजों में दिक्कत हो रही है ना तो मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है कोडिंग डी वो एल्फाबेटिकल सीरीज का आप जैसे ही उस पर यूट्यूब पे, पे डालोगे ना अल्फाबेटिकल सीरीज बाई विजय प्रताप सिंह तो मेरी वहाँ पे लेक्चर आ जाएगी वहां मैंने समझाया हुआ है कि ए की वैल्यू कैसे आती है और बड़े ट्रिक तरीके से है आसान तरीके से सबको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान है कि कौन सी वैल्यू मेरी क्या होती है कैसे होती है चलो अगर मैं बात करूं एच का मतलब यहां क्यू का मतलब होता है मेरा सत्रह एच का मतलब आठ होता है तो यहाँ किसकी वैल्यू आएगी सिक्स और सिक्स किसकी होती है एफ की वैल्यू फिक्स फिक्स का मतलब सिक्स अगर मैं बात करूँ ओ ओ की वैल्यू यहाँ कितनी है पंद्रह पंद्रह से यहाँ किसकी वैल्यू आएगी मेरी तेरह तेरह पे मेरा क्या आता है हमेशा एम आता है तेरह पे एम आप चाहे तो ऐसे भी लिख लेना कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे K, L, M, ऐसे लिखोगे लेकिन ऐसे ना बहुत टाइम लग जाएगा आपका वेस्ट ऑफ टाइम है हर एक किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा अगर फिर भी आप याद नहीं कर सकते ना तो एक काम करना पेपर से पहले आपको रफ सीट मिल जाती है किसी भी एग्जाम में पेपर से पहले कुछ देर पहले आपको रफ सीट दे देते हैं तो रफ सीट में पीछे एक ही बार लिख लेना अगर याद नहीं कर सकते हो तो पीछे रफ में ऐसे करके लिख लेना कि किसका अल्फाबेट का कौन सा नंबर है ताकि क्वेश्चन तो इसमें से बनना ही बनना है 100 परसेंट तो आप पीछे पलट के देखोगे आपका जो ये लिखने वाला था ये टाइम बच जाएगा और टाइम ही बचाना होता है एग्जाम में जिसने टाइम बचा लिया उसका सिलेक्शन हो गया ठीक है चलो अगर मैं बात करूं टी का मतलब 20 और यहाँ क्या आएगा 20 से दो कम 18 और 18 पे क्या आ जाता है मेरा आर क्यू एफ एम आर कहीं ऑप्शन में है क्यू एफ एम आर ऑप्शन नंबर नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर वैसे भी आप देख लो ना अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो इधर देखो अगर मैं बात करूं इसकी क्या आ जाएगा जी और जी के बाद क्या आ जाएगा एच G एम G के बाद एन है एन के बाद ओ है आर के बाद एस है. है और एस के बाद टी है मतलब जो मैंने किया है वो एकदम परफेक्ट है बिल्कुल मैच हो रहा है चलो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर दस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फटाफट आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर दस की क्या वैल्यू होगी चलो क्वेश्चन नंबर टेन फटाफट बता दो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर टेन चलो क्या रहा है इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है इन सर्टेन लैंग्वेज एक भाषा में गन को हम क्या बोल सकते हैं एच वी ओ देन द कोडेड फॉर्म ऑफ आई बी यू ये कहना चाह रहा है देखो कंफ्यूज मत होना क्या बोल रहा है एक वर्ड है जी यू एन इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एच वी ओ अच्छी बात है आगे क्या बोल रहा है कोडेड फॉर्म ऑफ आई बी यू आई बी यू को हम क्या लिखेंगे आई बी यू को हम क्या लिखेंगे ये बोल रहा है ये आई बी यू को आई बी यू हमारा किससे लिखा जाएगा बोलो इसमें कोई दिक्कत थी सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा देखना एक बार अगर मैं कायदे से एक बार देखूं तो मुझे बहुत ये तो आसान सा एच यू के बाद क्या आता है सर यू के बाद मेरा आता है वी एन के बाद क्या आता है सर एन के बाद आ जाता है ओ इसका मतलब यहां भी कुछ ऐसा ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा इसमें हाँ जी बिल्कुल आई है मतलब आई के पहले क्या रहा होगा एच रहा होगा सर एच एच आई होता है इससे पहले क्या रहा होगा सर मेरा ए रहा होगा ये क्या दे रखा है यू यू से पहले मेरा क्या रहा होगा टी टी के बाद यू एच ए टी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी काफी बच्चों का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इस द राइट आंसर यही चाहिए था जिस जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी है उसका एकदम परफेक्ट जवाब है कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी नहीं अगर मैं आगे बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फटाफट थोड़ा तेजी से लेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन जरा मुझे करके बता दो आप क्वेश्चन नंबर इलेवन चलो बहुत तेजी से गया आएगा आएगा आता है चलो आ गया भाई आ गया बिल्कुल आ गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज किसी एक भाषा में सोशल को हम क्या बोल देते हैं टू टी क्यू एफ ई एन आर सोशल को हम क्या बोलेंगे टी क्यू एफ ई एन आर तो ऐसे डिम्पल को क्या बोला जाएगा डिम्पल को हम क्या बोलेंगे तो ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं कैसे एस ओ सी आई ए एल सोसल सोशल को हम क्या लिख सकते हैं टी क्यू एफ ई एन आर एन आर यही लिख सकते हैं अच्छी बात है तो डिम्पल को हम क्या लिखेंगे डिम्पल को डी आई एम पी एल ई -E. डिम्पल को हम क्या लिखेंगे बोलो आपकी स्क्रीन पे आ गया बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है देखना कैसे अगर मैं बात करूं पहले जो अगर इसको नंबरिंग कर लोगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला हो जाएगा जिस जिस बच्चे ने इसको नंबरिंग कर लिया कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आएगा उसका तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा टेंशन लेने का काम उसका बिल्कुल रहेगा ही नहीं लेकिन जिस जिस बच्चे को थोड़ी नंबरिंग में प्रॉब्लम होती है वो कैसे करेगा उसका भी मैं बता देता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है सबसे पहले नंबरिंग से कर लेते हैं एस का मतलब होता है स्पीड टेस्ट उन्नीस बीस का अंतर आता है आप बेटा जिस जिसने मेरा लेक्चर ना किया हो ना मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार जाके वो जरूर कर लेना अगर एक बार जाके कर लोगे ना तो वो सारी चीजें बड़ी आसान सी हो जाएंगी आपके लिए क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको क्लियरली उसमें समझाई हुई है कि किसका वो क्या होता है बड़ा ही आसान सा है उसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं चलो टी का मतलब क्या होता है टी ट्वेंटी ओ का मतलब होता है मेरा फिफ्टीन क्यू का मतलब होता है मेरा क्या आ जाएगा सेवनटीन सी का मतलब क्या आ जाएगा मेरा थ्री एफ का मतलब फिक्स का सिक्स आई का मतलब क्या आ जाएगा मेरा नौ आई नो आई का मतलब आ जाएगा पांच ए का मतलब एक एन का मतलब आ जाएगा कितना मेरा चौदह अच्छी बात है कुछ पंद्रह उन्नीस एक बीस पंद्रह दो सत्रह तीन तीन छ चलो सोशल अच्छी बात है क्यू एफ ई एन आर ए से कहा जा रहा है एन चलो ए से चौदह कुछ गड़बड़ है इसमें गड़बड़ है क्या बच्चों चलो फिर भी देख लेते हैं L की वैल्यू मेरी बारह और आर की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी अठारह आ जाएगी चलो अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा इसमें क्योंकि एक सीक्वेंस बनना चाहिए था मेरा कहीं से कोई सीक्वेंस बन रहा है नौ से एक बढ़ा दिया बीस कर दिया पंद्रह से दो बढ़ा दिया सत्रह कर दिया यहाँ तक तो सही था एक बढ़ा यहाँ पे यहाँ से मेरा कितना बढ़ रहा है दो बढ़ रहा है यहाँ से मेरा कितना बढ़ रहा है तीन बढ़ रहा है ये भी सही है एक दो तीन लेकिन यहाँ से जो था ये मेरा नौ पांच चौदह आना चाहिए था तो आगे पीछे कर दिया है ये शायद हाँ आगे पीछे हमारी मैडम ने ना टाइपिंग वाली मैडम ने कर दिया है पर कोई बात नहीं इसको छोड़ दो कोई बड़ी बात नहीं है मैंने ऐसे क्वेश्चन करा दिए दरअसल मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया था यह इस क्वेश्चन इसलिए बनाया था इसमें एक सीरीज 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 थी 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 और क्या फॉलो फॉलो कर रही करती बढ़ते हुए क्रम में में वृद्धि कैसे वन आ, आ रहा था फिर आगे जो आ रहा था प्लस टू आ रहा था फिर आगे प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ये सीरीज कुछ इस तरीके से बनी हुई थी ऐसे ही हम क्या करते यहाँ पहले प्लस वन कर देते प्लस टू कर देते प्लस थ्री कर देते प्लस फोर कर देते ऐसे ही ये हो जाता डी ई एफ अगर मैं बात करूं, डी ई, डी ई सबसे पहले तो भाई एस के बाद टी आ रहा है ना तो डी के बाद क्या आ जाता मेरा सिर्फ ई e आ जाता तो ये तो मेरा कट ही जाता दो ऑप्शन तो मेरे कट ही जाते सिर्फ इन दोनों में कोई एक रहता अगर मैं बात करूं तो आई जे के यही ऑप्शन रहता क्योंकि पहले तो मेरा दो हो जाता ना आई जे के के e शुरू के दो ऑप्शन से ही देख लो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं थी आगे वाले छोड़ देना हालांकि मैडम ने थोड़ा सा टाइपिंग एरर कर दिया है पर कोई बड़ी बात नहीं है हमें क्या करना है एक बात तो समझ में आती है कि डी में हम डी से तुरंत भाई एस के तुरंत बाद मेरा टी आ रहा है आगे बात करूं तो ओ पी क्यू इसमें बीच में एक आ गया तो यहां भी तो बीच में एक ही आ रहा है आई जे के तो ई के ई के सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट था ई e के कौन सा ए बोलो सबको समझ में आया किसी को कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसान सा था बेसिक सा था इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी आगे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और आप ही फटाफट इसको बता दो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो आंसर रहा होगा मेरा क्या रहा होगा स्क्रीन पे आ गया भाई चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कुछ ऐसा दे रखा है क्या बोल रहा है इन ए कोड इन ए कोड जून इज रिटर्न एज एन एक्स पी एफ जून को हम क्या लिख सकते हैं एन एक्स पी एफ लिख सकते हैं आगे क्या कह रहा है विल बी द कोड ऑफ स्टे स्टे का कोड क्या रहेगा मतलब जून का कोड मेरा दे रखा है तो स्टे का कोड मेरा क्या रहेगा कोई दिक्कत ही नहीं है मैं देखते ही इसको बता सकता था कि इसका आंसर क्या रहेगा कैसे जे यू एन ई जून दे रखा है और जून का कोड मेरा दे रखा है एन एक्स पी एफ क्या दे रखा है एन एक्स पी एफ अच्छी बात है अब मुझे आप एक बात बताओ पूछा किसका है सर स्टे का पूछा है। एस, टी एस टी ए वाई एस टी ए वाई अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इसका ये बता दो ई के बाद एफ तुरंत बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ जी तुरंत बाद आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे सर इसमें एक जोड़ा गया है अगर मैं इसकी बात करूं एन के बाद क्या आ जाएगा सिर्फ इसमें दो एन ओ पी सिर्फ इसमें दो जोड़ा है अगर मैं बात करूं v के बाद x आ रहा है, तो इसमें क्या जुड़ा है v के 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 बाद के बाद w w आएगा, तीन एड हो रहे हैं अगर ऐसे ही इसकी बात करूं j के बाद k आएगा l आएगा m आएगा और क्या आ जाएगा n प्लस चार क्या यह चीज मैं यहां अप्लाई नहीं कर सकता हाँ जी कर सकता हूं s के बाद चार जोड़ना चाहिए यहाँ तीन जोड़ना चाहिए यहाँ दो यहाँ एक वाई के बाद क्या आ जाएगा सर मेरा जेड आ जाएगा वाई के बाद क्या आएगा जेड आगे के बाद तो यहाँ तो आप दो जोड़ोगे तो ए के बाद बी को छोड़ के क्या आ जाएगा मेरा सी क्या कहीं ऑप्शन में सी जेड है भाई दो ऑप्शन तो मैं देखते ही काट सकता था लेकिन इन दो में दिक्कत आ गई फिर मुझे और देखना पड़ेगा कैसे T के बाद U आएगा V आएगा W आ जाएगा डब्लू सी जेड जिसका भी ऑप्शन होगा डब्ल्यू सी जेड ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर चाहे तो आप इसको भी कर लो S के बाद T आएगा U आएगा V आएगा और ये क्या जाएगा मेरा W आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू सी जेड पहले पिछले वाले में सबसे एक ऐड किया उसके बाद मैंने दो जोड़ा उसके बाद तीन जोड़ा और चार जोड़ा और ऐसे ही मेरी क्या बन गई एक सीरीज बन गई कैसे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर की क्या बन गई मेरी एक सीरीज बन गई और सीरीज के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया बहुत ही आसान सा था मतलब आपको थोड़े थोड़े तो समझ में आ रहा होगा कि ये सब कोडिंग डिकोडिंग में चीजें होती कैसी हैं या रन कैसे कर रही हैं बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं अगर मैं आपकी बात करूं नेक्स्ट पे तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन आ चुका है फटाफट मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर थर्टीन मेरा क्या रहा होगा चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है इन ए सर्टेन कोड बॉम्बे इज कोडेड एट CNNABX बॉम्बे को हम क्या लिख सकते हैं CNNABX अच्छी बात है आगे क्या बोला व्हाट इज द कोड ऑफ दिल्ली दिल्ली का कोड बता दो भाई दिल्ली को हम क्या लिख सकते हैं फटाफट सारे लोग आप ही बताओ इसमें कुछ था ही नहीं मैं इसको देखते ही इसका आंसर बता सकता था कि इसका आंसर क्या रहा होगा और आप लोगों का आंसर आ भी चुका होगा मुझे पूरा विश्वास है देखते ही बता सकता था मैं इसका आंसर क्या आएगा क्या कैसे देखो अगर मैं बात करूं बी ओ एम बी ए वाई यही तो दे रखा है बॉम्बे और बॉम्बे को मैं क्या लिख सकता हूं सी एन एन ए बी एक्स ये लिख सकता हूं सर सी एन एन ए बी एक्स बिल्कुल लिख सकता हूं अगर मैं बात करूं सर चलो अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात तो बहुत अच्छे से दिख रही है कैसे बी में सर एक जोड़ दोगे तो आप क्या आ जाएगा सी आ जाएगा मैं बोलूंगा अच्छी बात है ओ से नहीं बनेगा एम में एक जोड़ दोगे तो एन आ जाएगा एक छोड़ के फिर ए में बी जोड़ दोगे तो ई e आ जाएगा मतलब एक एक छोड़ के क्या आ जाएगा आपका बन जाएगा अच्छी बात है लेकिन अगर मैं एक बात करूं कि एन से ओ अगर आप उल्टा चलोगे तो क्या ये माइनस में नहीं जाएगा भाई एन से एक e कम होता है कि नहीं वो हो, बिल्कुल होता है ए से एक e कम e के जो बाद का होता है या बी से एक e कम होता है ए या नहीं होता हाँ जी ए होता है वाई से एक e कम होता है एक्स हाँ जी हो सकता है मतलब एक बात समझ में आ गई एक बार तो इसमें प्लस हो रहा है और दूसरी बार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है और दूसरी बार क्या हो रहा है इसमें माइनस क्या ये वाली चीज मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं डी ई एल एच आई डेहली सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस तो डी का क्या आ जाएगा ई आ जाएगा प्लस वन करके क्या आ जाएगा ई अगर मैं बात करूं ये ऑप्शन तो दो मेरे हटी गए क्योंकि इनमें ई नहीं है इन दोनों में ई नहीं है तो दो ऑप्शन को तो मैं हटा ही सकता हूं बोलो किसी को कोई दिक्कत थी दो ऑप्शन तो मेरे हट गए क्यों हट गए सर इनमें ई नहीं है अच्छी बात है आगे मैं बात करूं इससे एक छोटा इससे छोटा क्या आ जाएगा मेरा माइनस वन डी ई डी लेकिन इसमें भी ई e, डी है और इसमें भी ई e, डी है बात नहीं बनी फिर यहाँ एम है यहाँ एम है इसमें भी तो यहाँ तो एम आएगा ही आएगा एल के बाद क्या आ जाएगा एल एम अब यहां से देखो यहाँ से यहाँ प्लस वन हुआ होगा तो यहाँ माइनस वन आएगा माइनस वन क्या आ जाएगा मेरा जी एम जी एम जी यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जिस जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उसका एकदम सही जवाब है बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सभी को समझ में आ रहा होगा अगर मैं बात करूं तो सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी रखे हैं इस पीडीएफ को मैं आपकी वीडियो की लिंक में डलवा दूंगा आप कंफ्यूज मत होना ज्यादातर सारे के सारे ना क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं कोडिंग डी के चलो सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं आप पांच छ क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना ये भी ऐसा ही है अगर मैं बात करूं तो देखो पहले वाले में अल्फाबेट थे इसमें क्या कर दिया नंबर कर दिया कैसे एल आई एन जी ई आर लिंगर लिंगर को हम बोल क्या सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आगे क्या बोल रहा है फियर्स फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं एफ ओ आर सी ई फोर्स को हम बोल सकते हैं नाइन एट सिक्स सेवन फाइव आगे क्या बोल रहा है फियर्स को बता दो सर फियर्स को क्या लिखेंगे फियर्स को हम क्या लिखेंगे तो ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो एफ आई एक मिनट एफ आई ई आर सी ई को हम क्या लिखेंगे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन क्या आप बेटा यहाँ से नहीं उठा सकते एफ की वैल्यू सर कितनी है एफ की वैल्यू मेरी नौ no है आई की वैल्यू कितनी आ रही है सर आई की वैल्यू मेरी सर दो आ रही है

आप ये पीडीएफ में आपकी वीडियो के लिंक में डलवा दूंगा उससे क्या होगा आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी कोडिंग डिकोडिंग टफ नहीं है लेकिन फिर भी चीजें प्रैक्टिस तो मानती है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो दिमाग से उतर जाती हैं चीजें फेड हो जाती हैं सबसे पहले ये बताएंगे सारे बच्चों को आज का लेक्चर कैसा लगा सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा जबरदस्त सबसे पहले सारे बच्चे लाइक कर दें जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बाकी के लोग शेयर कर दें ठीक है चलो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एयरफोर्स की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एग्जाम को डिफेंस वॉर्डेड टीम लेकर आ रही है विजयपद गुरुदक्षण बैच जिसमें आपको मिलेगा 700 हंड्रेड प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस वीडियो